ना। मैं आपको एक शेर सुनाऊं? हाँ शेर सुनाओ। जॉन नेलिया साहब फरमाते हैं, कौन शेर का नाम, कौन? शायर का नाम, शायर का नाम है अच्छा शायर का नाम क्या बताया? जॉन अब्राहम, जॉन एलिया साहब। जॉन एलिस साहब। बोलो अरे यार छोड़ो आप मुझे बोलो ना, शायर ही बोलो। शायर शायर शायर। कयामत कयामत खेस है आंखें तुम्हारी, कयामत खेस है आंखें तुम्हारी, तुम आखिर ख्वाब किसके देखते हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, समझ नहीं आइए। समझा, नहीं अरे ये समझा। बहुत डीप शेर है, ये आपको समझ नहीं आएगा। कयामत कयामत खेस, खेस है आंखें तुम्हारी, तुम आखिर ख्वाब किसके देखते हो। कयामत खेस है आंखें तुम्हारी, तुम अगर ख्वाब किसके देखती हो? तुम लेकिन हाँ आखिर थैंक यू। ख्वाब किसके देखते हो, मतलब तुम्हारी आंखें इतनी हसीन है, इतनी हसीन है, तुम ख्वाब किसके देखते हो। कयामत खैस है तुम्हारी, तुम अगर ख्वाब किसके देखती हो? तुम आखिर ख्वाब किसके देखते हो? हाँ ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, या भाई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल का सो दिल नशी, संदली दली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा वेरी गाया। सो दैट माई वॉइस माथी टॉच क्रैक, सॉरी है ना, अंडरस्टैंड माई इंग्लिश? यस ऑफ कोर्स, आई थिंक यू आर सो सो इंटेलिजेंट एजुकेटेड पर्सन, आई नो, बिकॉज यू ओके यू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश। इफ समबडी यस, यू वॉन्ट्स, टीच इफ इंग्लिश टू समबडी डॉन वॉन्ट हाउ, अंडरस्टैंड माई इंग्लिश, देन ही सी हैज टू स्टडी मोर एंड मोर, यू नो शी हैव दैट। शी हैज स्टडी मोर एंड मोर। ओके, व्हाट अ इंग्लिश, योर इंग्लिश, व्हाट अ इंग्लिश, वेरी माई नाइस। इंग्लिश यस, इज, आई एम बिग 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 फैन ऑफ योर इंग्लिश, यू नो यस इट्स माई, सो इम्प्रेसिव, सो गुड। थैंक यू। माई इंग्लिश इज लाइक अ एटम एटम बम, यू नो। बॉम्ब, या ओके, ओके, व्हेन माई इंग्लिश स्टैंड अप डिस्ट्रॉय। एटम बॉम्ब, कौन सा ऐसा एटम बॉम्ब है जो स्टैंड अप होता है? मैंने तो ब्लास्ट ही सुना था आज तक। एटम बॉम्ब इज था बूम ब्लास्ट, स्टैंड अप कौन सा होता है? कौन से ऐसे एटम बॉम्ब है आपके जो स्टैंड अप होते मतलब जग जाता है उसको, क्या बोलते, जग जाता है। माई इंग्लिश वेक जग अप, वेक अप, वेक अप, सॉरी स्टैंड अप बोल दिया। माई इंग्लिश वेक अप डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। माई इंग्लिश वेक अप। ओके, कहना क्या चाहते यस, हो? उर्दू में बोलो, उर्दू में, हिंदी में बोलो, बोलो ना जब प्लीज। मेरा जुबान, इंग्लिश का जुबान जो है, जो जग जाता है ना, तो फिर संसार में एक आग फैलती है जिसको बुझाना मुश्किल है। फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, ऐसा भी ये गाने से भी नहीं चलेगा।
यूं यूं हो रहा है मेरे दिमाग में, बट ओके ओके कब आना है ननियाल? रजा अंसारी, आपको बड़ा इंतजार है मेरे ननियाल जाने का, आप कहाँ से हैं? मेरे क्या ननियाल ननियाल वाले माना क्या ननियाल? है? ननियाल माना क्या है? ननियाल मानो मामू का घर। अच्छा ननियाल बोलते हैं उसको? हाँ, और जो दादाबू लोगों वाली साइड पे होता है उसको ददियाल बोलते हैं, लेकिन ये कौन है जिसको इतना इंतजार है मेरा? किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, क्या बात है, किसी नजर को तेरा इंतजार आप आज भी ये है। क्या है? थैंक यू ब्रोकन हार्ट। ग्रेट। एक गाना है, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, हाथों पे सबके खंजर चुपचाप देखता। क्या बात है, वाह 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 वाह। है ना? दुश्मन खोज्नु छ भने टाढा जानु पर्दैन भन्छ साथीहरू। बोल दुश्मन वाला एक मुझे भी आता है, मैं भी सुनाऊं? सुनाओ। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझे मिटाने के लिए। समझे समझे? हाँ समझ गया, लेकिन अरे वो दीवार यार, तो भीगने आपको नहीं जाता समझ है। आती, आपको शेरो शायरी नहीं आती। नहीं, दीवार पे आपने नाम लिख दिया तो फिर वो कैसे भीग जाता है? मतलब कि देखो, मेहनत करके एक बंदा स्ट्रगल करके बहुत ऊंचाई तक आया है, ठीक है? तो जितने भी दूसरे उसके मुखालिफ लोग हैं, उसके दुश्मन हैं, वो सारे उसके पीछे लगे हैं उसको मारने के लिए। तो वो कह रहा है, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिश होने लगी मुझको मिटाने के लिए। मुकालिफ मतलब क्या है वो? मैं कामयाब हो गया हूँ बहुत ज्यादा, और मेरी कामयाबी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए सारे मुझे मेरी तरफ आ रहे हैं मुझे खत्म करने के लिए, मेरी सक्सेस छीनने के लिए। उफ, इतनी अगर अच्छा, मेहनत मैंने अपने उर्दू के पेपर में की होती ना, तो कसम से मैंने आज अपने बोर्ड टॉप करना था। तो आप फेल हुए क्या? अच्छा फेल तो नहीं हुई, लेकिन इतने कुछ खास मार्क्स भी नहीं थे। पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्ची हो, ओके पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्ची नहीं हूं मैं, बड़ी हो गई हूं। अरे हमसे तो बहुत बच्ची हो तुम, फैसल शाह हमसे तो बहुत बच्ची हो। सर, ओके। आज की हो शायरी, नाइस ब्रदर। अरे थैंक यू, शायरी शायरी चल रहा था आज की। कोई एक और शेर सुनाओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये आग का दरिया है इसमें डूब जाने का नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। पर आप तो जाते हैं फिर भी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप कहते हैं नहीं वजह, वो नहीं, मैं खुद बुलाता मैं तो हूं, जाऊंगा। मैं वो नहीं बुलाती है, मैं खुद बुलाता हूं। हाँ, खुद जाते हैं, देख लो सुन लो सारे। नहीं, जस्ट मजाक गाइस। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये आग का दरिया इनमें डूब जाने का नहीं, 10 लाख ले रहा जाऊं। हमारे हमारे जो पाकिस्तान में ट्रक होते हैं ना, ट्रक, हाँ उनके पीछे ना ट्रक। शेर, उनके पीछे ना शेर लिखे होते हैं। अच्छा पाकिस्तान में भी लिखते हैं? हाँ, नेपाल में भी लिखते हैं। अरे इधर तो बहुत शेर व शायरी चलता है। हमारे उधर लिखते हैं, ट्रक होता है उसको सजाया होता है, नीचे लिखा होता है, देख मगर प्यार से। सच में हाँ इधर ट्रक भी कोई बहुत कोई, बहुत सारे होते हैं ऐसा ऐसा मतलब। और फिर ना ट्रक होता है, ट्रक होता है या कोई भी ऐसा व्हीकल होता है, उसके पीछे ना उन्होंने बंदर चिपकाया होता है, बंदर। तो जब वो चल रहा होता है ना, बंदर उड़ रहा होता है। वो भी बहुत फनी लगता है। देखो कितना हंसती है ये,
ये बच्चों जैसा, मतलब बंदर उछल रहा है तो भी हंसती है, हंसूंगी ना। कैसे फनी लगता है वो? वो तो बच्चों को फनी लगता है। अरे यार उसकी शक्लें इतनी फनी फनी बन रही होती हैं, कभी उसकी दुम लटक रही होती है, कभी कुछ, आप नहीं समझोगे। अरे छोटी छोटी चीजों से खुश होना सीखो, समझ रहा ना। हमारे पास छोटी 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 चीज में अगर खुश होंगे तो बड़ी चीज कब पाएंगे? कब मिलेगा बड़ी चीज? बड़ी छोटी छोटी चीजों में खुश होना सीखें और बड़ी चीज के लिए स्ट्रगल करें। जब आप बड़ी चीज को हासिल करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल गई तो बड़ी चीज के लिए क्यों स्ट्रगल करें? जो आप जिस बड़ी चीज के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उस दौरान अगर आप अपनी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे ना, उसमें खुश नहीं होंगे, तो फिर आप अपनी जो जब बड़ी चीज मिलेगी उसमें भी कुछ ज्यादा आपको एक्साइटिंग वो नहीं मिलेगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको तब रियलाइज होगा कि मैं अपनी बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां ऑलरेडी गवा चुका हूँ जिसको मैंने इंजॉय नहीं किया। देन यू विल मिस। यस, आई मिस यू। कुछ भी, नहीं, आपको आई पता है मैं मिस मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, नैना सुहेल मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा, आप क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल? मोटिवेशनल ओ, स्पीकर, मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। स्पीकर नहीं, स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर बोलने वाला, बोलने वाली, मोटिवेशनल स्पीकर। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन सा दूसरा बोल रहा फिर से, हूँ? ओके ओके, फिर से बोलो, फिर से स्पीकर, बोलो। स्पीकर, हाँ मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ वही तो, ये मोटिवेशन है ना, ये मोटिवेशन सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है बाद में करने के समय। ध्यान ध्यान देते होते हैं, याद रखते होते हैं। हाँ, जैसे किसी का मोटिवेशनल स्पीच हम सुने तो उसमें चार्ज हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर लुल हो जाता है। वो आपने आपने चार्ज होना होता है तब, लेकिन उसके बाद सब उप चुप करके बैठ के, ऐसे नहीं होता। अच्छा, शुक्रिया अच्छा नैनी चलो बाबा, छोड़ो ना, आज तो बाबा बन गए आप। मेरा आशीर्वाद हमेशा आज का तुम्हारे ड्रेस साथ भी ऐसा ही रहेगा। है, मतलब थैंक यू सो मच नैना। मेरे ड्रेस के बारे में नहीं कुछ कहना, ये श्री बहुत अच्छा श्री लग रहा श्री है, श्री नैना, ये नैना ड्रेस जी, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले बोलो ये ड्रेस अच्छा है। अच्छा है, ओके बाबा के जैसा है। थोड़ा सा इधर वो लगा लो, बाबा बन जाओगे सच में। नहीं, अच्छा है, लेकिन अच्छा है, अच्छा है। क्या बोला उसका? मस्टार्ड, बहुत अच्छा है। इतना क्यों दिखती हो? आपको नहीं देख रही, मैं अपने आप को देखती हूँ। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, छोरी मान्छेलाई तारिफै गर्नुपर्ने रहेछ क्या? जस्तो जे भए पनि होइन, तारिफ चाहिँ चाहिँदो रहेछ क्या भन्ने कुरा मैले बुझेँ क्या। इतनी खूबसूरत लग रही हो आज, क्या बताएं, बस करो, आपकी हाँ जुल्फें इतनी खूबसूरत देखो। लग रही हो बाबा जैसी। अरे बाबा कम है क्या? रामदेव बाबा को देखो, अरबों का संपत्ति है, कम है क्या? ओके ठीक है, तुम्हारे लहराते हुए बाल, शुक्रिया। तुम्हारे लहराते हुए बाल और उसमें जो जुए हैं उसको शोभा मेरे कितना बाल दे रही में है। कोई जुया नहीं है, दिखा दूं मैं? नहीं, मत दिखाओ, अभी मुझको खाना भी खाना है। यक यक,
यार। तोबा तोबा। तोबा तोबा आप दुनिया की सारी तोबा इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं, आपको पता है? क्या दुनिया की इम्पोर्टेंट? सारी जरूरी बातें आप भूल जाते हैं। आपको मेरी वीडियो के साथ ड्यूट मैंने बोला था वो भी नहीं बनाया। अब नहीं, लड़कियों के बाल में बहुत जुइयां होती हैं। कौन सी ऐसी लड़कियां आपने देखी हैं जिनके बालों में जुइयां हैं? मुझे लगता है आपको जुइयों से मोहब्बत हो गई है, आपको प्यार है जुइयों से। सुरेश, लव लाइज, मतलब जुइयां। ए, जुइयां को लाइज बोलते हैं? ओह, मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू। अब कोई पूछेगा ना सुरेश की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, सारी नीचे बताएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, तो सुनो, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? गाना कोई अच्छा सा, सैड सॉन्ग प्लीज। मोटिवेशन मोटिवेट करे आपको। नहीं, इतना भी नहीं अब मैं सुन सकती मोटिवेशनल, क्योंकि करना तो सबने वही है जो उनका दिल करेगा। है नहीं, हम मोटिवेशन मोटिवेशनल स्पीकर बनते रहे। थैंक तो कौन सा बोलो? यू अदनान। सबले हाम्रो फुड दाजुलाई फलो गरौँ है, ओल्ड मङ्कलाई फलो गरौँ सबले। बोलो ना। वो वाला पुष्पा का नो यस आई नो। वो अच्छा, बहुत अच्छा। हाय हाय, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू। सारा जमाना है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे क्यों? सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है। तो है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। तेरी झलक शर्फी श्री बल्ली बातें करे दो भी, तेरी झलक शर्फी श्री बल्ली बातें करे दो भी। और ये दीवाना किसके पीछे? तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली।
जैसे ये सोलवा चढ़ जाए सावर, तो क्या हर लड़की दिखे फूलों की गली, बांस पे लिपटी लाल साड़ी वो भी दिखी राजकुमारी, झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली ने नाम तक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बादे गर दो हर्फी, आय हाय ओहो हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, है ना? मतलब है कुछ, मतलब गाने में गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, गाना आपको अच्छा लगा? यस। लेकिन आपके दोस्त ने गाया है तो अच्छा ही लगेगा ना? हाँ ये तो है, आप कुछ भी कर लें मुझे अच्छा ही लगेगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं ना। यस यस गाइस, वेरी वेरी बेस्ट अंकल एवरीवन, सबले ओल्ड मंकला फॉलो करूँ तो सबले गिफ्ट आइडिया सबले फॉलो करूँ ला, रेस्पेक्टलाई फलो गरौँ, सङ्गीताजीलाई फलो गरौँ। वहाँ की वो पंजाबी है ना? हाँ। ना तेरे बाजू लग दाजी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। ये नहीं है पंजाबी? नहीं है, पंजाबी है, पंजाबी है। तो फिर और भी बहुत सारे पंजाबी में बोलो, मैं देखता हूँ क्या क्या सॉन्ग है। बोलो हिट सॉन्ग, बोलो मेलोडी, नो डांसिंग। लिखो ना पंजाबी सॉन्ग, लिखो पंजाबी सॉन्ग्स। आजकल वो वाले आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब दूसरे टाइप के। रुको रुको, पंजाबी सॉन्ग बताना। हाँ वही वही, आज ठीक नहीं है अभी पंजाबी सॉन्ग। वालिया सॉन्ग, वालिया लगाओ, वो बहुत अच्छा है। वालिया? हाँ, WALLIAN। अरे यार, इंग्लिश टीचर को क्यों स्पेलिंग सिखा रहे हैं? सॉरी सॉरी सर, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, डबल ओपन करो। क्या है इसमें? सुनो तो, मुझे ऐसा खास नहीं लग रहा है। अच्छा है ना? ऐसा है कि ऐसा गाना मुझे सूट नहीं होता है। ऐसे गाने आप नहीं गाते हो, इसलिए आप वो वाले टाइप गाते हो। मैं तेनू समझावा कि थोड़े थोड़े फीलिंग वाले। तारे नहीं सुनिया, ये गाओगे ना अच्छे लगोगे, पता ही बहुत अच्छा। मैं अपने स्टाइल में गा सकता हूँ ये? हाँ अपने स्टाइल में गा लो, अच्छा ही लगेगा। हाँ अच्छा, ये ठीक है, मैं गाऊंगा ना। ठीक है, गाऊंगा, सीख के गाऊंगा। ओके, लेकिन थोड़ा फेमस नहीं है? और फेमस पंजाबी गाना वालिया बहुत फेमस है। अच्छा रुको, और फिर मैं सोच के बताऊंगी। हाँ सोच के बताना। एक पंजाबी गाना है, राता लंबिया, वही पंजाबी है।
नहीं है? हाँ, काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े थे। गाइस, इस तरह के गाने सुनने ना मेरे पास आ जाओ, मुझे ऐसे सारे सॉन्ग आते हैं। चलो गा दो, काला चश्मा गा दो, गाओ। नो मैं क्यों मजाक कर बोला, रही हूँ, क्यों क्योंकि बोला सबको मेरे पास आओ, क्यों मुझे सारे बोला? यहाँ पे यही वाले सॉन्ग्स लिख रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले का, सिद्धू मूसेवाले का पता हाँ सिद्धू पता है, है ना? उसके सॉन्ग्स भी बहुत वो अच्छे प्राइम होते हैं, मिनिस्टर बहुत है प्यारे। ना, नहीं, बहुत ज्यादा फेमस पंजाबी सॉन्ग्स का। हाँ, उनकी डेथ हो गई है। वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे ना, उनके दुश्मनों ने उनको मार दिया पिछले साल। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। ही इज लाइक, मतलब क्या ही बोलो उनके बारे में। अच्छा किसने मार डाला? मुझे यार, लोग तो जीने पता, नहीं देते। वही बात है ना, खाते हुए को कोई देख नहीं सकता और भूखे को कोई दे नहीं सकता। अपने ही बहुत जेलस करने लग जाते हैं, क्या कर सकते हैं, ये दुनिया है। लेकिन छोड़ो, वाह खैर, मुझे बहुत दुख हुआ था, पर इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। गारो सा यार, गारो सा। मैं कौन सा गाना गाने वाला था? पता नहीं। उड़ जा काले कावा, तेरी मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गई, पक गई मिठिया अंबिया, ये छोटी मैं सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाह, ओ ये गाना सुना दूं, उड़ जा काले कावां, खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गई, पक गई मिठिया बिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तलंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हाँ छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, रास्ते पे अखियां रास्ता देखे बिछड़े मीतों का, आज मिलन की रात ना छेड़ो बात जुदाई वाली, मैं चुप तू चुप प्यार सुने बस प्यार ही बोले खाली, ओ ले जा मुझे परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, ये रब ही जाने, तोड़ के सारे दीवारे मिल जाते हैं दीवाने, ओ ले जा मुझे परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाओ, लकी टैलेंटेड।